विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन है एग्जांपल है सिंप्लीफाइड का है, स्क्वायर रूट 46 माइनस 12 रूट 14 है। इसे हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाइड करके सिंप्लीफाइड आंसर हमें रखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर दो, रूट 46 स्क्वायर रूट 46 माइनस 12 टाइम्स रूट 14 को मैं इक्वल्स स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। इस स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी जो इक्वल्स राइट साइड में लिया, ये डिफरेंस ऑफ टू सिंपल रेडिकल्स है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो ये रूट ए माइनस रूट बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स ये ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ए इज ग्रेटर देन आर बी इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी जीरो। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तभी ये अगर ये हो गया तो दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट अगर निकलना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो इसे स्क्वेयरिंग कर दो और राइट साइड में भी स्क्वेयरिंग कर दो, तभी ये बनता है स्क्वेयर रूट, ये निकल जाएगा, ये स्क्वेयर निकल जाएगा। तो ओनली यहाँ पर लेफ्ट साइड में 46 माइनस 12 टाइम्स स्क्वेयर रूट 14 रहेगा इक्वल्स रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा ही है। ये आइडेंटिटी यूज कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी, यहाँ पर ए इज रूट ए बी इज रूट बी, तभी ये रूट स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। 46 माइनस 12 रूट 14 लेफ्ट साइड में, एज यूजुअल यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गया तो ये रहेगा प्लस ए दोनों यहाँ पर निकल गया तो बी रिमेनिंग रहेगा माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए इंटू बी। ये दोनों सेपरेट है, मैं अंदर ले लिया तो ए प्लस बी 46 आ रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट्स कंपेयर दी कोएफिशिएंट्स तब क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 46 आ रहे हैं ना, तो टू टाइम्स स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 12 टाइम्स रूट 14 आ रहे, ठीक है। तो ये 46 है तो ए प्लस बी 46 है, तो अगर ये हमें ए का वैल्यू चाहिए तो 46 माइनस बी बनेगा ये ए का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर क्या बनता है, टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ए टू निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ए इंटू बी रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर 2 1 2 6 यानी 6 स्क्वायर रूट 14 पर रहेगा। हमें अगर स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर इधर भी अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा तो ये भी रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर मीन्स 36 मल्टीप्लिक्स ओनली 14, तो ये भी का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू 504, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 504 हो जाएगा। तो हमें मालूम है ये इज 46 माइनस बी, ये भी इज 504 है, तो ये भी के अंदर ए का वैल्यू हम पुट करेंगे, ये बी इज इक्वल टू 504 है तो ये का वैल्यू 46 माइनस बी है तो बी आगे का एज यूजुअल 504, तो b से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 46 टाइम्स b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 504, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये दोनों वो साइड में लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं और ये पॉजिटिव क्या बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। 46 टाइम्स b इज प्लस 504 इज इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 504 है, अगर इसका फैक्टर किया तो हमें मिलेगा 28 इंटू 18, लेकिन हमें माइनस 46 चाहिए तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, दोनों का समेशन माइनस 46 ही हो रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, प्लस 504 बनता है, ठीक है। तभी इसे हम ऐसे लिख सकते बी स्क्वायर माइनस 28b माइनस 18b प्लस 504 इक्वल जीरो, राइट। तो इन दोनों में अगर कॉमन हम b ले लिया तो b टाइम्स b माइनस 28 आ जाएगा,
और यहाँ पर माइनस 18 अगर हम कॉमन लिया तो बी माइनस 28 यहाँ पर रहेगा इक्वल 0। बी माइनस 28 बी माइनस 28 दोनों में है तो बी माइनस 28 हम कॉमन लेंगे, दोनों में फैक्टर आउट करेंगे तो बी माइनस 18 यहाँ पर रहेगा। तो 0 का जो फैक्टर है बी माइनस 28 इक्वल 0 एक बन रहे, और एक क्या बन रहा है बी माइनस 18 इज इक्वल टू 0 दूसरा बन रहे। तो ये अगर राइट साइड में लिया तो बी का वैल्यू यहाँ पर 28 एक आ रहा है, तो यहाँ पर ये राइट साइड में लिया तो बी का वैल्यू यहाँ पर 18 बन रहा है। यानी बी हमें दो वैल्यू मिल रहे हैं, 28 भी मिल रहे हैं 18 भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ए का भी वैल्यू दो मिलेगा। तो ये भी हमें मालूम है ये प्लस बी इज 46 और ए इक्वल्स 46 माइनस बी। इसमें अगर हम इज का वैल्यू फर्स्ट वन का वैल्यू अगर पुट किया तो फर्स्ट वन ये आएगा, सेकंड वन का वैल्यू इसमें बी का वैल्यू इसमें पुट किया तो सेकंड वन आएगा। तो फर्स्ट केस में इफ बी इक्वल्स 28 ये फर्स्ट केस, देन ये क्या होते हैं, देन ये इक्वल्स 46 माइनस 28 ठीक है। तो ये इक्वल्स 46 माइनस 28 मीन्स 16 में 8 गया तो 8 रहेगा, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू 18 आ जाएगा। यानी ए इक्वल्स 18 देन बी इक्वल्स यहाँ पर 28 हो रहा है। यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस कंडीशन को ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे। सेकंड केस, सेकंड केस में बी इक्वल्स इफ बी इक्वल्स व्हेन बी इक्वल्स 18 देन ये क्या बनते हैं, ये इक्वल्स 46 माइनस बी, तो ये इक्वल्स 46 माइनस 18 देन ये इक्वल्स 16 में 8 गया तो 8 रहते, 3 में 1 गया तो 2 बनते, तो ये का वैल्यू 28 बन रहा है। यानी ये इक्वल्स 28 बी इक्वल्स 18 तो है। तो यहाँ पर देखो इस कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस कंडीशन को ये सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं इसलिए ये वैल्यू हम ले लेंगे ठीक है। तो हमें मिला ए का वैल्यू 28 बी का वैल्यू 18, स्क्वायर रूट 46 माइनस 12 टाइम्स रूट 14 इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी लिया ठीक है। तो रूट ए यहाँ पर स्क्वायर रूट ए का वैल्यू पुट कर दो 28 माइनस स्क्वायर रूट बी का वैल्यू पुट कर दो 18, तो रूट 28 स्क्वायर रूट 28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 टाइम्स 7, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 7, तो इसे हम सेपरेट किया तो 2 रूट 7 आ जाएगा, इसके जगह में 2 रूट 7 आ रहे हैं माइनस रूट 18 क्या होता है इसका वैल्यू, स्क्वायर रूट 18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 टाइम्स 2, स्क्वायर रूट 9 सेपरेट ले लो स्क्वायर रूट 2 अलग ले लो तो रूट 3 रूट 9 मीन्स 3 बनते हैं ये रूट 2 एज यूजुअल, तो रूट 18 इज 3 रूट 2, तो रूट 18 की जगह में 3 स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी सिंप्लीफाइड आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 46 माइनस 12 टाइम्स रूट 14 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।